सो गाइस यार पिछले वाले एपिसोड में जैसे कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि भाई हमारी मतलब कि नई नवेली थार चोरी हो चुकी है। अरे हाँ दोस्तों, मतलब कि हम लोग उसे एक भी दिन अपने घर में नहीं रखे और अभी चोरी हो गई। अरे यार हाँ, इसीलिए गाइस यार हम लोग जा रहे हैं पास के पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाकर के भाई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे कि भाई हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है। उसके बाद यार पता नहीं अब क्या होने वाला, गाड़ी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। एंड आप लोग यार नीचे कमेंट करके बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाए थे और भाई बताए भी थे कि किसने चोरी किया है, लेकिन गाइस यार पुलिस स्टेशन में जाके खबर लिखाना तो जरूरी है। चलो सिंचन जल्दी चलो। अरे हाँ दोस्तों, पता नहीं किसी ने हमारी गाड़ी चोरी कर ली, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं जब भी मिलेगा वो। अरे हाँ, जब भी अगर हमें पता चल गया ना गाइस यार किसने चोरी की है भाई हमारी नई नवेली थार, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। इतने मुश्किल से भाई पैसे इकट्ठा करके भाई हम लोग ने वो वाली गाड़ी ली थी, भाई हम लोग तो वो कार को ढंग से चलाए भी नहीं थे और भाई चोरी हो गई। समझ नहीं आ रहा गाइस यार अब करे तो करे क्या, बट हाँ एक काम कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। चलो तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन और यहाँ पे जल्दी से पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं। अरे पुलिस इंस्पेक्टर सर, सर प्लीज सुनिए ना सर। अरे यार ये तो फोन ही मिला गया। अरे सर, अरे पुलिस इंस्पेक्टर सर सुनिए ना, बहुत जरूरी इमरजेंसी है। हाँ बोलो क्या हो गया। अरे पता है सर, मेरी नई नवेली गाड़ी थी, मैंने भाई आज ही के दिन ही परचेस किया था, लेकिन वो चोरी हो गई। चोरी? हमारा रहते हुए लॉस सैंटोस में चोरी कौन कर सकता है? कौन सी गाड़ी थी? अरे वो महिंद्रा की थार थी, बहुत ही कमाल की गाड़ी थी, ब्लैक कलर में। पता नहीं किसी ने चोरी कर ली, हम लोग बर्गर खाने गए थे। अरे हाँ, हम लोग बर्गर खाने गए थे और वही पीछे से कोई चोरी करके भाग गया। अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, तुम सबसे पहले जहाँ से गाड़ी लिए हो वहाँ पे जाओ, गाड़ी की सारी कागजे लेके आओ, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट जारी करेंगे और तुम्हें 24 घंटे के बाद इन्फॉर्म कर देंगे कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं। अच्छा ऐसी बात है, गाड़ी तो गाइजर हम लोग ने सिमियन की शॉप से खरीदी थी। चलो यार सिंचन जल्दी से सिमियन की शॉप में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पता करते हैं कि भाई गाड़ी का सारा कागज पत्र लेते हैं, तभी तो भाई पुलिस वाले लोग यार रिपोर्ट लिखेंगे और भाई हमारी गाड़ी को ढूंढेंगे। अरे हाँ, और सिमियन से पूछते हैं कि गाड़ी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हाँ गाइस यार, गाड़ी का तो इंश्योरेंस भी होगा, अगर चोरी हो जाती है तो गाड़ी का पैसा ही मिल जाता है। चलो गाइस यार जल्दी से सिमियन के शॉप में चलते हैं। चलो तो गाइस यार फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं सिमियन के शॉप में। जल्दी से सिमियन के शॉप में जाते हैं और भाई जाकर के बताते हैं कि सारा कांड, भाई हमारी नई नवेली गाड़ी चोरी गई। अरे सिमियन, अच्छा वो तुम यहीं पे मिल गए, पता है क्या हुआ? फ्रैंकलिन क्या हो गया, लगता है आयरन मैन ने इसे सबक सिखाया। हाँ फ्रैंकलिन बताओ। अरे पता है, मेरी नई नवेली गाड़ी थी ना जो मैंने आज ही तुमसे परचेस किया था, महिंद्रा था, वो चोरी हो चुकी है। अरे हाँ सिमियन अंकल, प्लीज हमारी मदद करिए। मुझे पता है किसने चोरी की होगी। अरे किसने, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार मार के उसका मुंह तोड़ दूंगा, जल्दी बताओ। वो है आयरन मैन। आयरन मैन यहाँ पे आया था और देखा कि उसकी गाड़ी यहाँ पे है और मैंने बताया कि तुम लेके आए हो, इसीलिए वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी गाड़ी चोरी करके लेके चला गया। ओ नो, ये क्या हो गया, मतलब गाइस यार ये आयरन मैन ने मेरी नई नवेली थार को चोरी किया। मुझे पता है कि यार मैंने उसकी गाड़ी को भी चोरी की थी, बट ये थोड़ी ना मतलब है कि वो आकर के मेरी गाड़ी चोरी कर ले। अरे हाँ, हम लोग कम से कम चला तो लेते, बिना चलाए भी वो चोरी करके लेके चले गए। आयरन मैन को छोड़ना नहीं है फ्रैंकलिन भैया, और नहीं तो क्या, आयरन मैन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सिमियन मुझे तुम्हारी ये वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आयरन मैन के पास जाना है और अपनी गाड़ी को लेके आना है। आयरन मैन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, तुमने मेरी गाड़ी कैसे चोरी कर ली। फ्रैंकलिन, अरे बाबा रे, लगता है फ्रैंकलिन और आयरन मैन के बीच में लड़ाई होने वाली है। अरे गाइस यार, मैं भाई आयरन मैन को छोड़ने नहीं वाला, भाई आयरन मैन ने मेरी नई नवेली थार को कैसे चोरी किया। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हमारी थार हम लोग ने अभी तक ढंग से चलाया भी नहीं था और वो चोरी करके भाग गया, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे हाँ, अवेंजर्स लोगों, भाई लॉस सैंटोस को बचाना चाहिए, भाई चोर चुक्के में कहाँ घुस रहे हो भाई, वो लोग का ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाइस जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई आयरन मैन को हम लोग कौन सा सजा दे, क्योंकि भाई उसने हमारी गाड़ी को चोरी करके अच्छा काम नहीं किया है। चलो गाइस यार जल्दी से जाते हैं आयरन मैन मतलब कि अवेंजर्स हाउस में और आयरन मैन को भाई सबक सिखाते हैं, क्योंकि आज के बाद आयरन मैन हमारी गाड़ी को छूना पाए। अरे फ्रैंकलिन भाई एक काम करेंगे, आयरन मैन के घर में जितना भी चॉकलेट चिप्स होगा वो सारा ले लेंगे। अरे क्यों सिंचन? अरे सबक सिखाने के लिए, जब वो लोग के पास कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं तब वो लोग का दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, ऐसी बात है तो वो भी काम करेंगे, कुछ भी करके आयरन मैन को सबक सिखाना ही है, वो उसने हमारी गाड़ी को चोरी कैसे किया। आयरन मैन हम लोग आ रहे हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। गाइस वो लोग भाई हमारा भाई महिंद्रा थार को ढंग से रखा होगा ना सिंचन? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया रखा ही होगा,
तो यार अगर कुछ हो गया होगा तो भाई मैं क्या करूंगा, मेरी नई नवेली गाड़ी इतना टाइम वेट करने के बाद मुझे मिला था, पता नहीं कुछ हो ना जाए। चलो यार जल्दी चलो, जल्दी से चलते अवेंजर्स हाउस और देखते हमारी गाड़ी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। चलो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं अवेंजर्स हाउस। ये देखो यार ये रहा अवेंजर्स हाउस, भाई कितना ही बड़ा है भाई, इन लोग के पास इतना बड़ा पैसा इतना बड़ा घर है लेकिन यार तब भी चोरी करते शर्म नहीं आता। चलो यार जल्दी से अंडरग्राउंड जाते हैं भाई पार्किंग के पास और अपनी गाड़ी को देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं है। चलो चलते हैं। ये देखो ओके भाई यहाँ पे रही हमारी गाड़ी और ये रहा आयरन मैन। आयरन मैन तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने हमारी महिंद्रा थार को चोरी किया, अब तुम्हें मैं सबक सिखाने वाला हूँ। अरे हाँ आयरन मैन क्यों तुमने चोरी क्यों किया, फ्रैंकलिन भैया की नई नवेली गाड़ी हम लोग तो ढंग से चलाए भी नहीं थे। अच्छा मतलब की सारी गलती मेरी है, तुम लोग जब आए और आकर के मेरी गाड़ी मतलब कि आयरन मैन हेड कार को चोरी किया, उसे बेच डाला और उसके बाद उसी पैसों से अपना नया थार भी खरीद लिया। वाह भाई वाह, सारी गलती मेरी और सारा मजा तुम लोग ले लो। अच्छा अच्छा वो बात है, अरे आयरन मैन वो तो भाई मैंने बस थोड़ा सा चोरी ही की थी क्योंकि भाई अपन को भी पैसे की जरूरत थी, बट अब तो यार हमारे पास गाड़ी आ चुकी है ना तो अभी क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं फ्रैंकलिन बहुत ताव में आए थे, बहुत सोचे थे मुझे सबक सिखाओगे, अब तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि आज के बाद तुम गाड़ी नहीं चोरी कर पाओगे। अरे क्या मतलब कि आयरन मैन आप फ्रैंकलिन को कौन सा सबक सिखाने वाले हैं? अभी पता चल जाएगा, रुको। फ्रैंकलिन मैं भी तुम्हें अब गाड़ी में कन्वर्ट कर दूंगा, ये लो। अब फ्रैंकलिन तुम भी गाड़ी में कन्वर्ट हो चुके हो, अब कर लो जितना चोरी करना है। अरे गाइस ये क्या भाई आयरन मैन ने तो मुझे गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। अरे सिंचन देख रहा हूँ मैं कैसा बन गया हूँ, अरे यार प्लीज मुझे कोई बचा लो, ये मैं क्या बन गया। अरे फ्रैंकलिन भैया भागिए यहाँ से, मैं भी भागता हूँ तो वरना आयरन मैन मुझे भी गाड़ी में कन्वर्ट कर देगा। अरे भागो भागो जल्दी भागो यहाँ से। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया आप तो पूरे तरीके से कार बन गए और मैं आपको कार की तरह चला भी रहा हूँ। अरे हाँ सिंचन वो बात तो सबसे सही है बट मुझे पहले जैसा ठीक तो कर दो, पता नहीं गाइस यार आयरन मैन ने मेरे पर कौन सा जादू किया जिसके वजह से मैं भाई पूरे तरीके से एक कार में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अरे यार प्लीज मुझे कोई बचा लो। अरे सिंचन तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है, प्लीज मुझे बचाओ ना भाई, मैं गाड़ी में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन भाई मुझे क्या पता आपको कैसे ठीक किया जाए, मुझे लगता है थोड़ी देर वेट करने के बाद मतलब कि कुछ घंटों के बाद वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है तो भाई बहुत ही बढ़िया है, बट गाइस देखो तो यार ये आयरन मैन ने उसे बदला लेने के लिए मुझे कार में ही कन्वर्ट कर दिया, मैं कितना अजीब लग रहा हूँ यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई आप एकदम अजीब लग रहे हो और मस्त भी लग रहे हैं। आज चुप हो सिंचन इसमें क्या मस्ती है, ये तो कितना मैं अजीब लग रहा हूँ। अरे दोस्तों नीचे कमेंट करके बताओ कि फ्रैंकलिन भैया लग रहे ना मस्त। अरे नहीं यार मैं एकदम खराब लग रहा हूँ, नीचे गाइस यार कमेंट करके बताओ कि मैं ठीक कैसे होऊंगा। अरे दोस्तों नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं फ्रैंकलिन भैया के ये वाली नई नवेली कार से ऑफरोडिंग करूं कि ना करूं। अरे यार सिंचन ऐसा ना कर भाई, मैं कार में कन्वर्ट हो चुका हूँ और तू मुझसे मस्ती ले रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।